और बात करते हैं जबलपुर की, जहां जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में रथ को खींच रहे एक युवक के साथ कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगा है। उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक विनय सक्सेना खबर लगते ही पीड़ित से मिलने के लिए कोतवाली थाने पहुंचे, जहां विधायक ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ SP से सख्त कार्रवाई की मांग की। युवक के साथ बंद कमरे में पिटाई की गई। पीड़ित युवक राकेश चौधरसिया ने बताया कि वो रथ को लेकर धीरे धीरे जा रहा था, जहां एक जगह 2 मिनट के लिए उसने रथ को रोक दिया, जिस पर पुलिसकर्मियों ने उससे जल्दी जल्दी रथ खींचने की बात को कहा, जिस पर विवाद बढ़ गया। पुलिसकर्मी युवक को लेकर कोतवाली थाने लाया और बंद कमरे में उसके साथ जमकर मारपीट की। वहीं कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना का कहना है कि रथ यात्रा को खींच रहा युवक रास्ते में कुछ देर के लिए रथ को रोक क्या दिया, पुलिस ने उसे पकड़ कर थाने ले आई और बंद कमरे में उसके साथ जमकर मारपीट की। विधायक ने इस मामले में SP से शिकायत कर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। SP ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने युवक के साथ की गई मारपीट की फोटो DGP सुधीर सक्सेना को भी पोस्ट किया है। विधायक का कहना है कि DGP से उम्मीद है कि वो पूरे घटनाक्रम को लेकर दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पुलिस के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। मैं धीरे धीरे जुलूस बढ़ा रहा हूँ, तो बोलता तू ज्यादा राजनीति कर रहा है। मैंने बोला सर मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे घर का मोहल्ले का रथ है, मैं धीरे धीरे पढ़वा रहा हूँ। बोलते तू ज्यादा राजनीति कर रहा है, मेरे को उठाया 10-20 कदम दूरी से मेरे को थाने के ले जाके 3 कमरे अंदर ले जाके मेरे को बहुत मारा, लात जूता डंडे से मेरे पूरे 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 कपड़ा उतार और मेरे को नंगा करके मारा। ये भी SP से बात हुई जौलपुर के, उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया है और इसके मुलाजा कराने भी कहा गया। अगर इसका मुलाजा करने के बाद पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो सस्पेंड कराने के लिए हमको सड़क पे आना पड़ेगा।